मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपना नाम सुनो और यदि है तो रिस्पांस आना चाहिए आपकी तरफ से। ओके ओके आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, सुज्ञान सिंह, हर्षित सिंह, वैष्णवी सिंह, वैष्णवी सिंह, आयुष पांडे, आस्था कौशिक, प्रत्यक्षा, सोनू सिंह, ऋतिक गुप्ता, आदित्य चौहान, अन्वेषा सिंह, आर्यन गुप्ता। हाँ आर्यन गुप्ता, आयु आर्यन गुप्ता, क्या नाम है आपका? अरे चलिए, आप सभी लोगों को एक साथ ही हम देखते हैं, मतलब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर खोलिएगा और चेक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में था, लिसन इट, आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन डज योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग, आपके मुंह में पानी कब आता है? व्हेन डज योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग, दो ऑप्शन थे, व्हेन यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और यू व्हेन यू सी समथिंग डिलीशियस फूड आइटम बिफोर यू, जब आप अपने सामने कोई डिलीशियस फूड आइटम देखते हो या जब आप बहुत सारा पानी पी लेते हो, आपके मुंह में पानी कब आता है? कुछ लोगों ने ऑप्शन दिए हैं आफ्टर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, तो ये गलत ऑप्शन है। हमारे मुंह में पानी तब आता है जब हम कुछ टेस्टी चीजें, स्वादिष्ट चीजें अपने सामने देखते हैं या खाते हैं, है ना? तो हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं उसके बाद स्वीट होना शुरू हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, जुलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन सी हर्ड द वर्ड आइसक्रीम एंड इमली, दो ऑप्शन थे, जुलन ने किस चीज का नाम सुनकर के? इमली, इमली का, इमली। यहाँ बहुत से लोगों ने आइसक्रीम लिखा हुआ है, तो अगर आप नहीं कहानी कहोगे तो कौन सा टेस्ट आपको टंग के किस हिस्से पे महसूस होता है? फ्रंट पार्ट पर, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टेस्ट टंग यू फील विच टेस्ट? On front yes, part sir. of your tongue, you feel sweetness. At the back part, yes, back part bitter, bitter taste. And side part, side part of our tongue, sour, khatta. And in the middle part of our tongue, umami. In the middle part of our tongue, yes, we feel umami taste. And what is umami taste? What do you understand? Yes, mixture of different tastes. Hai na? Okay. Digestion of food begins in our belly or stomach or mouth. Where does digestion begin? हाँ, बहुत से लोगों ने स्टमक लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, डाइजेशन जो है हमारे पेट में शुरू नहीं होता है, ये शुरू होता है हमारे माउथ से, इट बिगिंस फ्रॉम अवर माउथ। यस सर। व्हाई? यस सर। हाउ कैन यू से दैट इट बिगिंस इन अवर माउथ? मैंने कुछ चबाते पार्टिकल्स, है ना?
we break down our food items into smaller particles, and this is the first step of our digestion. Second step, we make it soft by mixing it with our saliva, with saliva in our mouth. अपने मुंह में अपने भोजन को हम स्लाइवा से मिक्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा भोजन जो है सॉफ्ट हो जाता है, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर स्टमक टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. इट इज हेल्पफुल फॉर आवर स्टमक टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. सो यू कांट से दैट डाइजेशन बिगिंस इन आवर स्टमक, इट बिगिंस इन आवर mouth. It begins in our mouth. Okay. Next question. What does saliva do in our mouth? अभी हमने discuss किया था. It mix up with our food item and make it soft. And make it soft. Okay. Here is seventh question. Number. Sugar and salt solution is given to a patient suffering diarrhea. Two options were there: diarrhea. Malaria and diarrhea. Diarrhea. Number of students have given the option malaria. Do you know how malaria is caused? Malaria कैसे होता है? मच्छरों से. Because of mosquitoes. Because of mosquitoes. है ना? और जब डायरिया होता है तो क्या होता है, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लैकनेस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. इसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है. शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन उस समय दिया जाता है जब डायरिया होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने कमी हो जाती है. नॉट इन द केस ऑफ मलेरिया. जब मलेरिया हो तब सुगर सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है बेटा. इज इट क्लियर? यस सर. आई विल रिपीट दिस सेट ऑफ क्वेश्चन वंस अगेन एंड आई विल चेक हु इज डूइंग व्हाट. बहुत से लोग जो क्लास मिस कर गए हैं वो फिर यही गलत आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? Odisha. Uttar Pradesh. Odisha. Yeah, Odisha. Where is it? No, sir. हाँ. Odisha. 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 And why it is famous? Why is Kalahandi famous? Kalahandi क्यों प्रसिद्ध है बेटा? Oh, guys, चावल के लिए. कालाहांडी में बहुत ज्यादा चावल का उत्पादन होता है. चावल होते हैं, है ना? Yes sir. Yes. And it is in Odisha. Can you tell me in which part of our country Odisha is situated? North, south, east, west? In which part of our country Odisha is situated? South. Can you answer? Have you ever seen Odisha in the map of India? बात नहीं, उसका मतलब बस अपनी बात करते हैं. बात नहीं कुछ नहीं बोला. In which part of our country is Odisha situated? Anybody? कहाँ है? दक्षिण में है ना? Yes. Southern part. हाँ. चलिए. Example. Next question. Glucose drip. Listen it carefully. Glucose drip. Yes, sir. I am new drawing. Mouth or by injection. How do you take? Bottle and pin. How bottle do you take? Sir, bottle and pin. Sir, by. Sir, by. Is it possible to take glucose drip by your mouth? No, sir. No. Sir, bottle and pin.
with the help of doctors and nurses. Yes, no. And it is directly injected in your veins. आपकी नसों में इसे directly injections के through inject किया जाता है. Can you tell me what is proper food? Proper food or nutritious food? हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सारे पोषक तत्व सारे न्यूट्रिएंट्स हों उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशियस फूड या प्रॉपर फूड या बैलेंस डाइट या फिर बैलेंस डाइट है ना. कैन यू नेम सम न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. आप बता सकते हो कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य हैं. फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन टू पार्ट्स बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी गिविंग. कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं और कुछ एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके एंड सम न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स मिनरल है ना. एनर्जी हमें किससे मिलती है फ्रॉम विच न्यूट्रिएंट वी गेट एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. यस फैट आल्सो बॉन्ड्स टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट. बॉडी बिल्डिंग विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन्स है ना. कैल्शियम. चलिए प्रोटीन से क्या बनती है मसल. अगर आपको बड़ा और स्ट्रांग बनना है अपनी हाइट बढ़ानी है तो आप कौन से पोषक तत्व लोगे कौन से न्यूट्रिएंट्स लोगे अपनी डाइट में. यू शुड टेक प्रोटीन है ना. यस सर. और कौन से फूड आइटम से प्रोटीन्स पाए जाते हैं. In which plant, in which food item we find protein? Can you guess? Mama. कितने भी leguminous plants हैं? कितने भी दालें हैं? कितने भी दालें हैं? दालें, अरहर, चना, मूंग, मसूर है ना राजमा डाला लेग्यूमिनस प्लांट. और ये सब जो है प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स है. तो इफ यू वांट टू बी बिग एंड स्ट्रांग यू शुड यूज सच फूड आइटम्स. ओके चलिए हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is next question. Answer. What do you mean by aromatic smell? What do you mean by aromatic? It's a pleasant smell. Pleasant smell and pungent smell. So what? Strong smell. Tikhi gandh jo hoti hai usko hum pungent kehte hain na. Chaliye. Pungent. And one more question. Kailash, Rashmi and Gomti are sick. Kailash, Gomti और Rashmi ये सब लोग बीमार थे. कैलाश भी बीमार था Rashmi भी और Gomti भी. क्यों बीमार थे ये लोग बड़ा. Why were they sick? They were not getting proper food. कैलाश क्या करता था कैलाश क्या खाता था.
He was habitual of taking junk food. Kailash जो है junk food ज़्यादा पसंद करता था. Market का डिब्बा बंद पैकेट का food, है ना? और गोमती क्या करती थी? जो काला हांडी में चावल का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी उन्हें चावल खाने के लिए नहीं मिलते थे. कई बार वो पेड़ों की पत्तियों को खा करके जिंदा रहती थी, है ना? सिचुएशन गोमती वॉज सिक, कैलाश वॉज सिक बिकॉज ही वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग हेल्दी फूड आइटम्स. हेलो, ही लाइक ओनली जंक फूड. कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? फ्रंट पार्ट, ये आपका हो गया साइड पार्ट, और ये हो गया बैक पार्ट, और ये हो गया मिडिल पार्ट, है ना? और ये है बैक. इज इट क्लियर? उसको कट करते हैं. ये आपका हो गया बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट. फ्रंट पार्ट पे कौन सा टेंशन फील करते हैं? स्वीट. लास्ट में जाना. बैक पार्ट पर बिटर, साइड पार्ट पर सॉफ्ट. हाँ यार नमस्ते करोगे तो. और मिडिल पार्ट पर उमानी. ओके. नहीं आया. कट करो नीचे से. कटिंग साइड. हाँ. कटिंग साइड. हाँ देख लो. So this was all about your test from tasting to digesting. And if you have any other problem, you may ask. अगर कोई और confusion है इस test में, किसी question में, तो आप पूछ सकते हो. Anybody? उस test में कोई और question आपको लगता है जो difficult था, जो आपको नहीं आया, जिसकी वजह से no one has scored 100%. Mind it. किसी का भी नहीं है मुझे लगता. किसी को मिला है? One is there, Agao Singh. जी मेरे और चार दोस्त हैं. Is he present in the class? Agao. क्लास में हो रहा है. स्कोर 100% एंड नो वन एल्स. देखो ऐसे आज पेंट है ना, देखो जी ऐसे ये है ना. आयुष यादव ही हैज स्कोर 95%. ओनली वन क्वेश्चन वाज रॉन्ग. यस आगो. हाउ मच टाइम डिड डॉक्टर बेनामाउंट स्पेंड ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन मार्टिन स्टमक? मार्टिन के स्टमक पर बेनामाउंट ने कितने दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया था? 9 years. But you have written 9 months. है ना? And because of this, you score only 95%. है ना? Instead of 9 years, you have gotten 9 months. Dr. Benamount has spent 9 years on the Martin's stomach to find out the secret of the digestion. हमारा भोजन कैसे पचता है ये जानने के लिए डॉक्टर बेनामाउंट ने 9 साल तक मार्टिन के स्टमक पर एक्सपेरिमेंट किया था, ना कि 9 महीने तक. है ना? गौरव चौबे है आल्सो स्कोर 100%. आदर्श यादव
आदर्श यादव इज ही प्रेजेंट इन द क्लास? आदर्श यादव आप हो क्लास में बेटा? नहीं हो। चलो आपका मिस्टेक जो था वो मैं बता देता हूँ, बाकी लोग सुन लें। उमानी टेस्ट मीन, उमानी टेस्ट का मतलब क्या होता है? उमानी टेस्ट का मतलब क्या होता है? अबे यार यही था तो टैप टू बिगिन नहीं दबाने का था यार। अब इस फ्रेंड को उमानी टेस्ट कैसे मिलेगा वो? अच्छा ये जगह क्या कर रहा था, कहाँ से वो मुक्का वाला होता है? I'm not getting response from your side. आपसे कोई response नहीं मिल रहा है, शायद आप लोग अपनी बातों में ही व्यस्त हो। This was your revision part of the chapter from tasting to digesting, and now I think we should start our next chapter, mangoes round the ear. Okay, so from today we are going to start revision of our chapter mangoes around the ear. Okay, and lastly, अगले सप्ताह में हम लोग का जो टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर से होगा, ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट वीक में हम लोग का जो रिवीजन टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर से होगा, है ना? Do you remember anything from this chapter? इस चैप्टर से कुछ याद है आप लोगों को? बोलो। नहीं। क्या याद है? आम पापड़ बनाने के लिए सिखाया गया था। आम पापड़, यानी उसको हम क्या कहते हैं? ममेड़ी तंद्रा। ममेड़ी तंद्रा ही कहते हैं ना? Yes, sir. And, we can, how long we can use this aam papad or mamedi tandra? One year. One year, whole year we can use. And why? How it becomes possible for us to use this aam papad for whole year? How it becomes possible? Why not fresh mangoes we can use? Why are we not able to use fresh mangoes for the whole year? Yes, very good. Because fresh mangoes are juicy. जो ताजे आम होते हैं वो juicy होते हैं, उनमें moisture होता है. And because of this moisture, fungus है ना, और इन फंगस के ग्रोथ होने की वजह से ये जो फ्रेश मैंगोज हैं ये खराब हो जाते हैं. बट इफ दे आर ड्राइड इन द सन है ना, टू मेक देम फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, देन वी कैन यूज आवर फूड आइटम फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Yes, sir. बहुत से एग्जाम्पल भी दिए गए थे. सपोज इफ यू आर इन अ जर्नी फॉर 2 to 3 days, विच टाइप ऑफ फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू? किस तरह का भोजन आप लेकर के जाना पसंद करोगे?
चिप्स, हाँ कुरकुरे, कुरकुरे नमकीन बिस्किट है ना, यस सर, फ्राइड राइस यू कैन टेक, यू कैन टेक मठरी, ठेकुआ, हाँ, बट वुड यू लाइक टू टेक राइस एंड दाल? नो सर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट सर, because it will spoil after the day. It is not possible to use rice and dal after a day. एक दिन के बाद उनको use करना possible नहीं होगा, because they have enough moisture to attract the fungus from the air. हवा में जो fungus के कहते हैं उसको attract करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी इस भोजन में होती है. And that's why they get spoiled. बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है ना. ओके, हैव यू सीन द फंगस एनीवेयर? क्या फंगस आपने कहीं देखा है? कहाँ देखा है बेटा? आलू पे भी होते हैं, ब्रेड पे भी होते हैं, व्हाइट व्हाइट. हाँ, आपको हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ब्रेड की स्लाइस को थोड़ा सा गीला कर दिया था हमने. वी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द ब्रेड स्लाइस एंड केप्ट इट फॉर 2 to 3 days. देन हम देखो कि फंगस ग्रो ऑन दैट ब्रेड स्लाइस. उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ हो गई थी. इजंट इट? यस सर. हां यस सर. और बीजी, बीजी जो गई थी मार्केट में ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, ब्रेड के पैकेट को हाथ में पकड़ते ही रिजेक्ट कर दिया था. रिजेक्टेड इट जस्ट आफ्टर टेकिंग इट इन हर हैंड. व्हाई? ये कंटेंट तुम बताओ. यस, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी डेट. उसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, उसकी स्पायरिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेट, उसका एमआरपी, और कोई भी चीज हम अगर मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए, है ना. वी शुड नो व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक व्हाइल बाइंग परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट इन अ पैकेट. मार्केट से जब हम चीजें खरीदते हैं तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, है ना. तो ये सारी चीजें हम वहां पे चेक कर सकते हैं. कोई भी पैकेट हम बाजार से लेते हैं तो उसका एमआरपी, वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें उस पैकेट पर लिखी होती हैं. और कोई भी पैकेट के पे लिखी हुई एक्सपायरी डेट अगर क्रॉस कर गई हो तो वो सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए. आपको आज एक एंड वी शुड आल्सो टेक केयर टू नॉट पे मोर देन द एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. व्हाट इज एमआरपी मींस? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी फुटकर में बेची जाने वाली अधिकतम कीमत. इट्स मैक्सिमम प्राइस. यू कैन बार्गेन टू रिड्यूस द कॉस्ट. आप मोल भाव कर सकते हो, बार्गेन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी, कीमत कम करने के लिए, लेकिन आपको एमआरपी से ज्यादा एक पैसा भी नहीं देना है. सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी? MRP से कम में आप ले सकते हो, तभी शॉपकीपर का लॉस नहीं होगा. He may what is the full form of MRP? Sir, what is the full form of MRP? Sir, what is the full form of MRP? MRP means maximum retail price. MRP means maximum. M for maximum, R for retail, P for price. Maximum retail price. खुदरा में बेची जाने वाली अधिकतम मूल्य, फुटकर में बेचे जाने वाले वस्तु का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है, उसी को हम एमआरपी कहते हैं.
ठीक है, वी शुड नेवर पे मोर देन एमआरपी प्रिंटेड ऑन दैट फूड पैकेट और एनी पैकेट। नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो लर्न टू प्रिजर्व फूड आइटम। हमने ये भी देखा था इस चैप्टर में कि कुछ फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। एंड कैन यू सजेस्ट मी सम वेज टू प्रिजर्व मिल्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक दूध को, मिल्क को कैसे प्रिजर्व किया जाए। हाँ सर, यस, ये एम आर बी का मतलब क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म? एम फॉर मैक्सिमम, एम फॉर मैक्सिमम, दूध को गर्म करके पैकेट में निकाल देंगे सर। दूध को गर्म करके मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य सर। दूध को गर्म कर देंगे सर, दूध को गर्म कर देंगे उसको पैकेट में सर, अच्छी तरह। Yes, you can preserve milk. हाँ, by boiling it. अगर आप उसको समय समय पर कुछ देर बाद आप बॉयल करते गए, तो दिन में दो बार तीन बार बॉयल करते हो तो बड़े आराम से अगले दिन भी आप उसको यूज कर पाओगे, है ना? Yes, sir. हाँ, उसमें फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, दूध आपका खराब नहीं होगा, है ना? And how will you preserve cooked rice? Yes. चावल आपने पका दिया है, उसको आप कैसे प्रिजर्व करोगे? हाउ विल यू प्रिजर्व कुक्ड राइस? हाँ, इज इट पॉसिबल टू प्रिजर्व इट? यू कैन पुट इट इन अ बाउल, यू कैन पुट इट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विद सम वाटर। पानी में अगर आप चावल को डाल के रख दो तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, पकाया हुआ चावल है। यू कैन यूज इट इवन ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एक बार और बता दीजिए सर, एक बार और बता दीजिए। अनदर आइटम इज ग्रीन कोरिएंडर या धनिया, सर एक बार और बता दीजिए सर, कैसे चावल इतना ब्लड बह जाता था कि उसकी धनिया मतलब आगे कुआं और पीछे खाई। 1970 के समय जापान में इतना ज्यादा खौफ था कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल। आप लोग यहाँ पढ़ते हो, कम से कम वहां पे टीवी वगैरह ना चलाया करो। हाँ, सो हाउ कैन यू प्रिजर्व ग्रीन कोरिएंडर और धनिया? वी कैन रैप इट, लपेट सकते हैं गीले कपड़े में। वी कैन रैप इट इन अ डैम्प क्लॉथ, गीले कपड़े में अगर लपेट के रख दो तो ये आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। एंड हाउ विल यू प्रिजर्व ओनियन एंड गार्लिक? ओनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन, आपने भी घर पे देखा होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी दादी क्या करती हैं प्याज को सुरक्षित रखने के लिए? यानी बड़ी वुड यू लाइक टू से, आपके घर पे लोग प्याज को, लहसुन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? एनी वन? यस, बोलो बेटा, अनम्यूट करो पहले अपने आपको, बोलो। आपने हाथ खड़ा किया सुग्यांशु, सुग्यांशु यू आर रेजिंग योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन सर। उसके नीचे पहले पेपर, हां सर उसके नीचे पहले पेपर बिछा दे, उसके बाद उसको रख देते हैं। हां पेपर बिछा दोगे और फिर क्या करोगे? ओपन एंड ड्राई, उसे पानी से बचाते हैं। आप एक ऐसी जगह चुनोगे जो खुली हुई जगह हो, जहां हवा आती जाती हो और मॉइस्चर ना हो वहां पर। यू शुड कीप इट इन ओपन एंड ड्राई प्लेस, अगर ऐसी जगह पे आप रखते हो तो वो सेफ होगा
और लंबे समय तक आप उस प्याज को यूज कर पाओगे, है ना। चलिए, सो फॉर आवर नेक्स्ट क्लास नोट डाउन योर होमवर्क दैट यू शुड बी रेडी विद द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर मैंगोज राउंड द ईयर। इस चैप्टर के चैप्टर की पहले आप रीडिंग करोगे, इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आप लर्न करके आओगे, और कल की क्लास में ये चैप्टर में आप लोगों से वन बाय वन पढ़ने के लिए कहूंगा। आई विल आस्क यू टू रीड दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, सर एक बार और बता दीजिए कुक्ड हाउ टू प्रिजर्व कुक्ड राइस। क्या चीज सर? कुक्ड राइस को बचाने के लिए हाउ टू प्रिजर्व कुक्ड राइस। पुट दैट राइस कुक्ड राइस इन अ बाउल, एक कटोरे में उसको भर के रख दीजिए, एंड प्लेस दैट कटोरा और बाउल इन वाटर। उस कटोरे को पानी में डाल दो, ओके okay? या फिर आप चावल को भी उस कुक्ड राइस को भी डायरेक्टली पानी में डाल करके भी